गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल होता क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है। तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की डेफिनेशन, इफ़ एन इक्वेशन इन्वॉल्व्स ओनली वन वेरिएबल एंड द हाईएस्ट इंडेक्स ऑफ पावर ऑफ दैट वेरिएबल इज़ वन, द इक्वेशन इज़ कॉल्ड ए लीनियर इक्वेशंस। फॉर एग्जांपल, 2x + 3 = 8 इज़ ए लीनियर इक्वेशन। और आगे हम इससे रिलेटेड कुछ सम करेंगे। तो सॉल्व द लीनियर इक्वेशंस, फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास x - 2 = 7। तो इस में हमने जो है x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इस क्वेश्चंस को हम दो तरह से कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड जो है इसको करने का, उसमें है x - 2 = 7। तो फर्स्ट मेथड में हम क्या करेंगे कि जो वेरिएबल हैं उनको हम लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे और विदाउट वेरिएबल उनको हम राइट हैंड साइड में लेकर जाएंगे, इंटरचेंज करेंगे। मगर जब हम इनको इंटरचेंज करेंगे तो साइन का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले एक्स वेरिएबल जो है उसको हम लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे, ये लेफ्ट हैंड साइड में ही था तो इसको हमने एक्स लिखा, और माइनस टू को हमने राइट हैंड साइड में लेकर के जाना है। तो इसका हम साइन चेंज कर देंगे, इंटरचेंज करेंगे तो साइन चेंज कर देंगे। माइनस टू को हम कहाँ लेकर जाएंगे, राइट हैंड साइड में, तो इसका साइन जो है चेंज हो जाएगा। तो एक्स इजगल टू, और राइट हैंड साइड में जो चीज़ पहले दे रखी है उसको हम लिख लेंगे पहले, और उस तरफ से हमने माइनस टू को राइट हैंड साइड में लेकर के आए तो प्लस टू हो गए, 7 + 2। तो एक्स इजगल टू हमारे पास आया 9, 7 + 2 = 9। और सेकेंड मेथड जो है इसको करने का वो है x - 2 = 7। तो पहले देखना कि लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास दिया क्या है, x - 2, यहाँ से हमने -2 को उड़ाना है। तो क्या करेंगे इसमें, तो इसमें हम कर देंगे 2 ऐड, एडिंग बोथ साइड्स बाय 2, हम दोनों तरफ जो है 2 ऐड कर देंगे। तो हमें क्या प्राप्त होगा, वी गेट x - 2 + 2 = x + 2 = 7 + 2, x = 9। तो दोनों का आंसर जो है सेम आया, तो हमने जो है इसको सॉल्व कर लिया है, x की वैल्यू हमारे पास 9 आए। और सेकंड क्वेश्चन है 6 = z + 2, तो इसको भी वैसे करेंगे जो पहले लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या है 6, हमने इसको लेफ्ट हैंड साइड में ही रखा, और राइट हैंड साइड में विदाउट वेरिएबल कौन सा है 2, इसको हम लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे। तो हमारे पास बनेगा 6 - 2 = 2, और यहाँ पर रहा हमारे पास जेड, 6 - 2 = z, और यहाँ z = 6 - 2 = 4, z = कितना आ गया हमारे पास, 4 आ गया, 4 आंसर आ गया। और थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास 3/7 + x = 17/7, तो इसको भी वैसे ही करेंगे, 3/7 + x = 17/7, तो इसमें भी इंटरचेंज करेंगे। तो x हमने पहले लिख लिया वेरिएबल, = 17/7, अब 3/7 को हमने राइट हैंड साइड में लेकर जाना है, तो हमारे पास क्या आएगा, 17/7 - 3/7। आगे नेक्स्ट स्टेप जो है आपके पास, हमारे पास यहाँ पे आया 17/7 - 3/7, तो इसको हमने सब्ट्रैक्ट कैसे करना है, जब फ्रैक्शन फॉर्म में हो तो हम इसका इनके डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे, हमारे पास डिनोमिनेटर है 7 और 7, तो 7 और 7 का जो एलसीएम आएगा हमारे पास 7 ही आएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो हमारे पास एलसीएम वही आया 7, और हम न्यूमिरेटर को क्या कर देंगे, लेस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे 17 - 3, तो 17 x = 17 - 3 कितने होते हैं 14 अपॉन 7, अब 14 को 7 से डिवाइड कर देंगे, 7 1 = 7 और 7 2 =
14, 7 वन जा 7 और 7 टू जा 14, एक्स इजगल टू 2, ये हमारे पास आंसर आ गया। अब मैं आपको होमवर्क देता हूँ, सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस। फर्स्ट क्वेश्चन है 2x-1 इजगल टू 14, सेकेंड क्वेश्चन है 8x+4 इजगल टू 7, थर्ड क्वेश्चन है 2/3+7, 2/3+x इजगल टू 4/3। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।